हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक मज़ेदार बात सिखाने वाली हूँ। मज़ेदार बात मतलब मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ मुहावरे सिखाने वाली हूँ। मुहावरे अपने स्कूल में पढ़े होंगे, मुझे तो मुहावरे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुहावरों से बातें मज़ेदार होती है, रंगीन होती है और आप किसी को टोन में मार सकते हो, तो इसलिए मुझे मुहावरे बहुत पसंद है। मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे मुहावरे बताने वाली हूँ जिससे आप कन्वर्सेशन जीत सकते हो और आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है ये भी आप दिखा सकते हो। तो चलिए जानते हैं मुहावरों के बारे में। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है बातचीत शुरू करना। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है सही वर्णन करना। पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम। अंडर द वेदर, इसका मतलब है बीमार होना। तो अगर आप बीमार हैं तो आपको आई एम सिक ये कहने की जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब है बहुत महंगा होना। जैसे कि हम कहते हैं ये बहुत कॉस्टली है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, सो यू कैन से कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बाइट द बुलेट, इसका मतलब है कठिनाइयों का सामना करना। बाइट द बुलेट। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब है गलत रास्ते पर चलना। अगर आपको किसी को कहना है कि आप गलत रास्ते पर हो तो आप कह सकते हैं यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल होना। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका मतलब है मुश्किल स्थिति में होना। तो सबसे आखिरी है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है रहस्य खोलना। अगर आपको किसी को कहना है कि रहस्य खोलिए तो आप कह सकते हैं स्पिल द बीन्स। सो आई होप आपको ये मुहावरे अच्छे लगे होंगे और आप भी अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसे रोज यूज करेंगे मुझे लगता है। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।